एडवेंचर पे शेयर करती हूँ डेली बेसिस में एक शॉर्ट वीडियो। आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ लॉन्ग वीडियो। लॉन्ग वीडियो में मैं आप लोग के साथ में कर रही हूँ अपने चैनल पर 60 डेज हेयर ग्रोथ ऑयल चैलेंज, जिसमें कि आपके बालों के थिकनेस पे काम किया जाएगा। आप लोग के साथ में मैंने एसेंशियल ऑयल जो भी यूज होने वाले हैं इस 60 डेज चैलेंज में, इसकी लिस्ट शेयर कर दी है। आप लोग को बता दिया है कि कौन से ऑयल आपको लेने हैं, आप परचेज कर ले। जो भी ऑयल मैंने यूज़ करने हैं एसेंशियल ऑयल के, वो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिएगा। 1 से 2 दिन का टाइम दिया कीजिए, बिकॉज मेरे पास दो दो छोटे बच्चे हैं। मेरा लल्ला ना, मेरे बच्चा बाबू बाबू मेरा, सॉरी सॉरी आशु इन्हें सॉरी कोए, देखो देखो सब लोग क्या कर रहे हैं, देखो देखो मेरे बच्चे को किन्हें मारा था ना 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 ना। तो गाइस, बच्चे के साथ में वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट, सारा काम खुद से मैनेज करना होता है। तो उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा टाइम दिया करें मुझे, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसा हेयर ऑयल शेयर कर रही हूँ जो कि बाल्डनेस और हेयर लाइन जो आपकी पीछे चली जाती है उसके ऊपर वर्क करेगा। ये 1 हफ्ते के लिए ऑयल है। आप चाहें तो इस ऑयल को 1 मंथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 2 मंथ्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और 3 मंथ भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। मेरा मकसद है आपके साथ में 60 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज करके आप लोगों के लिए एक तो 8 तरीके के ऑयल शेयर कर दूं जो कि आपके बालों के लिए काफी स्पेशल और काफी हेल्पफुल रहेंगे, जो कि आप लोगों के बालों की ग्रोथ को बूस्ट करेंगे, डैंड्रफ की समस्या को क्योर करेंगे, स्कैल्प को क्लीन करेंगे, जिससे आप कोई भी चीज लगाएंगे तो आपके बालों में अच्छे से पेनिट्रेट होगी और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देंगे, ठीक है। ऑयल बनाने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमने आपके लिए क्या क्या सर्विस अवेलेबल करी हुई है अपने चैनल पर। हमारे पास में आप लोगों के लिए कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें परचेज कर सकते हैं। हमारे पास में अलग अलग पार्सल्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं कस्टमाइज, जो कि आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है, उसके बाद आपको डिलीवर किया जाता है। 7 से 8 दिन का टाइम लगता है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है आपका एड्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं मुंबई ऐसी जगहों पर, हमारे जो पार्सल हैं 8 से 10 दिन का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो वो मंगा सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप में हम आपको सिर्फ और सिर्फ आपको रेमेडीज बताते हैं आपके बालों के अकॉर्डिंग, आपके हेयर के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपके बालों के अकॉर्डिंग। उसमें आपको कोई भी हम प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है, वीडियो कंसल्टेशन आपका 699 रुपीज में, जो कि आप 2 टाइम के लिए वीडियो कॉल कर सकते हैं। अपने बालों की प्रॉब्लम्स को दिखा करके आप अपने लिए 2 से 3 चीज ले सकते हैं, जैसे कि आपको पता लग जाए कि आपके बालों की प्रॉब्लम क्या है, हमें पता लग जाए आपके बालों की प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप प्रोडक्ट परचेज करें, या फिर आप मेंबरशिप लेना चाहें तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स, मेंबरशिप के रिजल्ट, वीडियो कंसल्टेशन से काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैं और सभी लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। जिनको प्रॉब्लम ज्यादा है वही लोग करें, जिनको नहीं है वो चैनल से भी चीजों को अगर करते हैं तो रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। लास्ट चीज ये कि आप चाहें तो हमारे चैनल से 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज जो चल रहा है आप उसको भी कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बालों में आपके, ठीक है। दूसरी चीज ये लास्ट, उसके बाद से हम लोग चलेंगे तेल बनाने के प्रोसेस में। लास्ट चीज ये कि हम आपके लिए चैनल पर अपने शॉर्ट वीडियोस और आप लोगों के लिए डेली शॉर्ट वीडियोस स्किन केयर की और हेयर केयर की लेकर के आते हैं, आप उसको देख करके भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में आपका ये लॉन्ग वीडियो हम अल्टरनेट डेट्स पर रहता है, जैसे कि आपका मंडे वीडियो आया है तो वेनसडे को आएगा, वेनसडे वीडियो आया है तो आपका फ्राइडे को आएगा, ठीक है। एक दिन छोड़ करके एक दिन वीडियो अपनी हमारी आपके साथ में शेयर की जाएंगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये जो ऑयल है, इस ऑयल को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बाद देखेंगे ऑयल एप्लीकेशन, उसके बाद में मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज, ऑयल प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए जार। उसके बाद से मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ तिल का तेल, मेरा फेवरेट है हमेशा, मुझे तिल का तेल ही पसंद आता है, क्योंकि ना देखो ये सस्ता भी है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है जैतून के तेल से। वैसे जैतून का तेल जो है ऑलिव ऑयल, वो भी बहुत अच्छा है, स्ट्रांग होता है बालों के लिए, मतलब बढ़िया होता है कि आपके बाल से जड़ से मजबूत होते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाला है 2 चम्मच अल्फा अल्फा सीड। आपको क्या करना है, आपको एक दिन पहले अल्फा अल्फा सीड्स को भिगा कर रख देना है। भिगोने के बाद से जब वो फूल जाएंगे तो उनको छान लीजिए। छानने के बाद से आपको तेल लेना है 50 ml, और 50 ml तेल में अल्फा अल्फा सीड डाल देना है, ग्राइंडर में डालकर उसको ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डबल बॉयलर मेथड से इसको 20 से 25 मिनट के लिए कुक करना है। मैंने यहाँ पर जो वीडियो है पॉज कर करके बनाई है, बिकॉज क्या है कि ये जो तेल है 20-25 मिनट तक का बनेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो वो एक्सप्लेन करना और उसमें बोलना बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग इतना देखोगे भी नहीं, ठीक है। तो
आपको 20-25 मिनट तक इस ऑयल को कुक करना है। 20-25 मिनट में आपका जो ऑयल है ना बहुत अच्छे से बन जाएगा। देखो ऑयल की पहचान कैसे होगी कि ऑयल प्रिपेयर हो चुका है या नहीं, तो ऑयल आपका हल्का हो जाएगा, जो इसमें हमने अल्फा अल्फा सीड्स को ग्राइंड किया था वो ऊपर ऊपर से उठना शुरू हो जाएगा, वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर यही चीज़ देखनी है और नीचे आपको ये ध्यान रखना है कि जले नहीं आपका ऑयल। अगर आपका ऑयल जल जाता है तो उसकी गुडनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, 20-25 मिनट बाद आप इसको छान लेंगे। देख सकते हैं आप, ये पार्टिकल्स जो थे छोटे छोटे से मोटे मोटे से वो अलग हो चुके हैं, हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से ही आपको ऑयल को प्रिपेयर करना है और आपको फिर गर्म गर्म ही इस ऑयल को छान लेना है। जब हम इसमें एसेंशियल ऑयल मिक्स करेंगे तो हमें ऑयल को ठंडा होने देना है और उसके बाद एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड करने हैं। तो इस तरीके से आपको स्टेन कर लेना है, कोई मोटी छन्नी ले लीजिए। ये हमने एक हफ्ते का ऑयल बनाया है। ये जो ऑयल आप बनाएंगे ये काफ़ी थिक ऑयल होता है, आपको बहुत ज़्यादा इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने एप्लीकेशन भी शो किया हुआ है, आगे आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। आपको कोई भी चीज़, चाहे वो हेयर पैक हो, रिंस वाटर हो, टोनर हो, शैम्पू हो, नाइट हेयर पैक हो, सीरम हो, सब कुछ स्कैल्प पे प्रिपेयर करके लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डाला है ब्लैक कैस्टर ऑयल की 3 से 4 चम्मच। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 20 ड्रॉप्स। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल हमें इसलिए डालना है जो बाल हमारे जा चुके हैं, जो वापस आएंगे, वो लंबे हो सके। उसके बाद से हमारा सिट्रन लेना एसेंशियल ऑयल, जिसकी हमें 10 ड्रॉप्स डालनी है। यह आपके स्कैल्प को क्लीन करता है, साफ करता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को खत्म करता है। ठीक है, जिससे आप जो भी चीज़ बनाकर लगा रहे हैं वो अच्छे से स्कैल्प में पेनिट्रेट हो और आपको रिजल्ट्स अच्छे दे। नेक्स्ट हमने जो लास्ट डाला है वो है सेज एसेंशियल ऑयल। ठीक है, सेज एसेंशियल ऑयल की आपको 10 ड्रॉप्स जरूर से ज़रूर डालनी है। सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद से कांच के जार में रख दे, जितना आपको यूज़ करना है उतना यूज़ कर ले। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन। यहाँ पर अपने बालों को मैंने खोल लिया है और मैंने अपने बालों में अच्छे से कॉम्बिंग कर ली है, इन्वर्जन मेथड कर दिया है। ठीक है, कोई भी टोनर नहीं लगाया है मैंने बालों में। आप लोग को वही चीज़ बताऊंगी जो चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ। टोनर मैंने अपने बालों में नहीं लगाया है, टोनर मैं एक दो दिन बाद प्रिपेयर करूंगी, तो शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी कि कौन सा टोनर मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ एट ए टाइम। ठीक है, तो अभी अच्छे से आपको बालों को कंघी कर लेना है, जिससे कि आपके बालों का जो स्कैल्प का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। लाडो रो रही थी इसलिए मैंने कृष्णा को बोला कि आप कृष्णा बेटा लाडो के पास चले जाना, इसलिए वो गया भाग करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बालों की लेंथ जो मेरी है वो कुर्ते तक है, जो कुर्ता है मेरा वहीं तक है मेरे बालों की लेंथ। आप लोग को मैं नेक्स्ट टाइम जब वेनसडे को वीडियो शूट करूँगी, ऑयल शेयर करूँगी, तो उसमें मैं आप लोग को अपने बालों की लेंथ एक बार फिर से शो कर दूँगी, या फिर मैं कम्युनिटी पर डाल दूँगी कि मेरे बालों की एक्चुअल लेंथ क्या है अभी। ठीक है, आप लोग भी कम्युनिटी पर अपने बालों की लेंथ को नाप करके शेयर कर देना या इंचेस में बता देना, जो भी है, फिर आप लोग फॉलो कीजिए चीज़ों को। बालों को घना मोटा करना है हमें, बालों की लंबाई पे इतना फोकस नहीं करना। जब तक आपके बाल घने नहीं होंगे तब तक आपके बालों में मज़ा नहीं आएगा, बाउंस होना चाहिए बालों में। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ऑयलिंग करी है पार्टीशन कर करके, और आप लोगों ने देखा कि कहीं भी मेरी जो हेयर लाइन है बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली है, बिल्कुल पतली महीन सी हेयर लाइन है मेरी। ठीक है, अच्छे से आप लोग चीज़ों को फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स आप लोग को 100% मिलेंगे। कुछ लोगों का कहना था कि आपने बालों में स्ट्रेटनिंग कराई है, तो आज तक मैंने अपने बालों को पार्लर में कभी ओपन किया ही नहीं है, स्ट्रेटनिंग की तो बात अलग ही है। ठीक है, एक बार मैंने लैक्मे में पूछा था कि मेरे बालों की स्ट्रेटनिंग के लिए क्या चार्जेस होंगे, तो उन्होंने पूछा था मुझसे कि आपके बालों की लेंथ क्या है, तो उन्होंने 36,000 रुपीज़ बताए थे। मैंने नी लेंथ से नीचे बताया था अपने बालों की लेंथ, और वैसे भी मेरे बाल जो हैं वो नी से नीचे ही हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको अपने पूरे बालों में ऑयलिंग करनी है। देखिए, कंघी करने के बाद से जब आप ऑयलिंग करते हैं, एक तो आपको फायदा ये होता है कि आपके बाल उलझते नहीं हैं। ठीक है, ऑयलिंग के 2 घंटे बाद आपको अपने बालों में कंघी करनी है और ब्रेड बनानी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर सकती हूँ, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और मेरे दो दो बच्चे हैं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जितना मैं करके दिखा पाऊंगी आप लोग के साथ में और बता दूंगी, आप लोग वो चीज़ फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑयलिंग करनी है, और आपको ऑयलिंग करने से पहले भी अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। ये ऑयल हमारा वेनसडे को लगा है, तो वेनसडे ऑयल रहेगा और थर्सडे ऑयल रहेगा, फ्राइडे हेयर वॉश होगा। तो आप चाहे तो फ्राइडे को हेयर पैक लगाकर वॉश कर सकते हैं। सो गाइस, देखा आपने हमारा जो ऑयल है बन चुका है। इस ऑयल को आपको एक हफ्ते यूज करना है। आप लोग के साथ में वेनसडे को मैंने फर्स्ट ऑयल शेयर किया है, तो नेक्स्ट वेनसडे को आपको मैं शेयर करूंगी सेकेंड ऑयल। ठीक है, हमारा 60 डेज का चैलेंज है, जिसमें कि हम आपके साथ में 8 तरीके के ऑयल शेयर कर रहे हैं। तो एवरी वेनसडे आप लोग के साथ में ऑयल की रेसिपी आएगी और आपको एप्लीकेशन करके भी दिखाया जाएगा, और शॉर्ट वीडियोस में आप लोग को मैं अपडेट देती रहूंगी कि मैं किस तरीके से अपने बालों की केयर कर रही हूँ। अगर मैं आप लोग के साथ में, देखो आपको पैक एप्लीकेशन भी करना है, ऐसा नहीं है कि आपको पैक नहीं लगाना है। आप हफ्ते में 3 बार शैम्पू करेंगे, 3 बार ऑयलिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका हेयर पैक भी रहेगा, नाइट हेयर पैक, टॉनिक, और आपका हेयर पैक हैवी वाला भी रहेगा। ठीक है, आप कोई भी पैक लगा सकते हैं,
मेरे पास लगा टाइम तो मैं शूट कर पाई तो आपके साथ में शेयर करूंगी, नहीं कर पाई तो आप लोग के लिए शॉर्ट वीडियोज में शेयर करती हूँ या कभी कभी आप लोग के साथ में लॉन्ग वीडियोज में भी पैक मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। बट एवरी वेनसडे आप लोग के साथ में हेयर ऑयल की वीडियो जरूर आएगी, ठीक है। तो इस 60 डेज चैलेंज को आप लोग कीजिए, इसका जो भी फीडबैक आएगा वो आप लोग शेयर कीजिए। कल तक शुक्ल पक्ष है, आप लोग बीच में अपने बालों की कटिंग कर लें और इस चीज को फॉलो करना शुरू करें, आप देखेंगे अपने बालों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस, ठीक है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाय।